हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे पूरा रिव्यू इस क्रॉसओवर का जो कि हमारे स्ट्रेंजर कंपनी का है। सबसे पहले इसका मैं आपको पूरा रिव्यू दिखाऊंगा और उसके बाद आपको इसका जो है फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से सेट करना है आपको ऑफलाइन में ये भी बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी सरल क्रॉसओवर है, इसे छोटा बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है, तो आपको इसकी सारी विशेषताएँ भी बताएंगे। मैंने बहुत सारे क्रॉसओवर चलाए हैं जैसे कि अहूजा, बेरिंजर, DBX, स्टूडियो मास्टर, और उनमें से सबसे सरल मुझे यही क्रॉसओवर लगा है और काफ़ी आपके लिए भी बेहतर रहेगा। इसका बजट भी काफ़ी ज़्यादा कम है, आपको इसका बजट भी बताएंगे और कहाँ से मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे देंगे, तो आप लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में आपका कोई मार्केट है वहाँ से अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वहाँ से भी खरीद लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम आपको लुक दिखाते हैं और उसके बाद आपको इसकी सेटिंग बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके हम आपको फ्रंट पैनल का जो है पूरी जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर हमारी जो है स्ट्रेंजर की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसका मॉडल नंबर ACM2X एक्टिव क्रॉसओवर। और यहाँ पर आपको इसके साइड मिरर देखेंगे तो ये रैकिंग के लिए आपका बहुत अच्छा स्लीप दिया है पकड़, और यहाँ पर हैंडल भी आपको दी गई है, स्ट्रेंजर की तो पहचान है। और यहाँ पर पावर ऑन आपका स्मूथ बटन, और इधर आपको एक पावर इंडिकेटर, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो चैनल दिए जाते हैं, चैनल ए और चैनल बी, जो कि अनबैलेंस हैं। आप स्टूडियो तो कर सकते हैं लेकिन अनबैलेंस केबल का इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इसका है पहले चैनल वन का लो आउट है, और यहाँ पर जो है हमारा फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए ये नॉब दिया गया है, और यहाँ पर हमारा हाई आउट है जो कि ट्रेबल के लिए, टॉप के लिए जाता है, या हमारा बेस के लिए गया टॉप के लिए, उस फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए। सेम वैसा ही हमारा चैनल जो हमारा बी है उसके लिए, यहाँ पर लो आउट के लिए गेन, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए ये वाला नॉब, और यहाँ पर आपको हाई आउटपुट जो कि टॉप के लिए इसमें भी दिया गया है। तो अभी आपको मैं इसका ये सेटिंग दिखा दिया है, आपको मैंने आगे ये भी बताने के लिए बोला है कि आपको इसका मैं ऑफलाइन सेटिंग भी बताऊंगा कि इसे कैसे सेट करना है। तो वीडियो में बने रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है मेरे चैनल पर आता रहता है। तो चलिए इसका जो हम बैक लुक भी आपको एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये हमारा पावर केबल है जो कि हमारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और यहाँ पर इसका बैंड दिया गया है केबल को फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक फ्यूज दे दिया गया है, और यहाँ पर एक ग्राउंड का पॉइंट दे दिया गया है। यहाँ पर कंपनी का अपना होलोग्राम जो कि इसके ओरिजिनल और लोकल की पहचान कराता है, इसका सीरियल नंबर, और यहाँ पर इसके जो है अपने स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। यहाँ पर दोनों चैनल्स के लिए जो है सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर इनपुट दिए गए हैं, चैनल ए के लिए और चैनल बी के लिए इनपुट, और चैनल ए का लो आउट यहाँ पर है और हाई आउट चैनल ए का यहाँ पर से है। और इधर आप देखेंगे तो चैनल टू का जो हमारा बी है इसके लिए लो आउट या हमारा हाई आउट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार इसका पीछे का सेटिंग है। तो चलिए अब हम आपको इसका जो है सेटिंग बताएंगे। मेरे चैनल पर जल्दी ही वीडियो आने वाला है टू वे क्रॉसओवर की सेटिंग का। मेरे चैनल में पहले से जो ये वाला वीडियो पड़ा है इसमें मैंने आपको थ्री वे सेटिंग बताया था, जिसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई टू वे का सेटिंग बताइए, तो मैं वीडियो नहीं ला पाया था थोड़ा सा काम की वजह से, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। काफ़ी जल्दी टू वे का वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको क्रॉसओवर को टेस्ट करके भी बताऊँगा। फिलहाल मैं इस क्रॉसओवर जो है आपको ऐसे ऑफलाइन सेटिंग बता देता हूँ बिना टेस्ट किए किस प्रकार से इसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको जो है चलाने के लिए सबसे पहले इसका हम पीछे कनेक्शन बताएंगे आपको। आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको चैनल ए और बी का इनपुट दिख रहा है, हमारे मिक्सर का जो एल वाला आउटपुट आता है उसे अपने इस चैनल ए के इनपुट में इन कर देंगे, और जो हमारा मिक्सर से चल के आता है जो हमारा आर वाला आउटपुट, इसको अपने इस क्रॉसओवर के इस वाले इनपुट में कर देंगे जो हमारे चैनल बी का है। इतना करने के बाद जो हमारे बेस के एम्पलीफायर हैं उसमें आप जो है लो आउटपुट के लिए यहाँ से लो आउटपुट लेंगे, और स्टूडियो में अगर चलाना है आपको तो यहाँ पर से आउटपुट लेंगे लो के लिए, हमारे बेस वाले जो एम्पलीफायर हैं, ठीक है। वैसे ही टॉप के लिए चैनल ए के लिए यहाँ पर हाई आउटपुट, यानी इसमें टॉप चला सकते हैं और यहाँ पर भी एक हाई आउटपुट मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ जो है अपना कनेक्शन आप कर लेंगे, तो बहुत जल्दी वीडियो आएगा आपको जो टेस्टिंग में पूरा कनेक्शन भी दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी वो वीडियो आएगा इसका सारा टेस्टिंग का। तो आपको हम इसके आगे की सेटिंग बताते हैं, आगे किस प्रकार से सेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको
जो है इसे चलाने के लिए सबसे पहले जो सेटिंग करनी होती है ये हमारी जो है फ्रिक्वेंसी सेट करनी होती है। फ्रिक्वेंसी आपको सेट करना है लगभग ये 150 यहाँ पर दिख रहा है, इससे थोड़ा से नीचे यानी 120 से 130 से बीच में आपको इसे सेट कर देना है फ्रिक्वेंसी को। अब फिर वैसे अपने चैनल बी की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी आपको लगभग यहाँ पर 150 है, इससे थोड़ा से नीचे आपको सेट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप चलाएंगे। ये सेटिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे अपने घर में जब इसे मैंने ख़रीदा था तो इसको भी मैंने टेस्ट किया था, तो इसी प्रकार से सेट हो रहा है, इसी तरह से अच्छे से चल रहा है और यही मेथड भी होता है। ठीक है, अब आपको लो आउट जो है इतना रखना है, इतना लगभग रखना है। अगर आपको वॉल्यूम कम पड़ रही है तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको पूरा फुल भी कर सकते हैं, जितना आपको अपने मुताबिक करना है। फिलहाल रिकमेंडेशन मेरी तो यही है, लगभग इतने में बताइए, पीक लेवल में मत जाइए कभी। और इसको आपको ये जो आपको स्विच दिख रहा है इसको जो है अंदर तरफ नहीं करना है, इसे बाहर की तरफ ही रखना है। अगर अंदर कर देंगे तो बहुत ही पतली आवाज़ आने लगती है जो कि हमारे यूनिट जैसी आवाज़ आने लगती है, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, इस वजह से उसकी आवाज़ पतली हो जाती है। तो आपको इसे 1x पर ही रखना है और हाई आउट जो है हमारा टॉप के लिए उसको भी लगभग इतना सेट कर देना है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको भी बढ़ा सकते हैं। वैसा इसका भी लो आउट जो है लगभग ऐसे रखना है और इसका भी जो हाई आउट है इसको ऐसे रखना है। तो इस प्रकार से जो है ये तैयार हो जाता है हमारे ऑपरेटिंग के लिए, इस प्रकार से इसे आप चला सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बनता है, लोग बोलते हैं भाई यहाँ पर तो सिर्फ दो ही एम्पलीफायर ऐड कर सकते हैं, एक बेस का और एक टॉप का, अगर ज़्यादा एम्पलीफायर ऐड करना है तो क्या करना है। अगर आपको ज़्यादा एम्पलीफायर, बहुत सारे एम्पलीफायर लगाने हैं तो मेरा ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें आपको अगर आप 10, 20 जितने भी एम्पलीफायर ऐड करना चाहते हैं तो आपको सारा कनेक्शन इसमें दिखाया गया है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको उसका लिंक दिखाया गया है, ये वीडियो आप देख लीजिए, जिससे आपको बहुत सारे एम्पलीफायर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। ये मैंने 2022 में ख़रीदा था जो कि नवंबर का महीना था, तो उस समय मुझे ये 5,500 रुपये का मिला था। और आप भी अपने लोकल मार्केट से इसे ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा है आपके लिए चलाने के लिए। अगर आप मार्केट में इसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप इसे जाके ख़रीद सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी कोई चार्जेस नहीं है आपको, जो रेट वहाँ पर मिलेगा वो लिंक में भी वही रेट मिल जाएगा जो मार्केट में होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। लव यू ऑल।